हेलो गाइस, और नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। सो व्हाट इज शैडो? शैडो इज द डार्क एरिया। एज यू सी इन द पिक्चर, यू कैन सी द डार्क एरिया। दैट डार्क एरिया सो द शैडो ऑफ ए फ्लावर। सो व्हाट इज शैडो? शैडो इज द डार्क एरिया। And what conditions is necessary to make a shadow? First, an opaque object. First, an opaque object. We know that opaque object does not pass the light. Opaque object does not pass the light. हम जानते हैं कि opaque object light को pass नहीं होने देता है। वो क्या करता है? Light को रोक देता है। और तो उसके पीछे जो डार्क एरिया बनता है वही क्या कहलाता है? शैडो कहलाता है। तो शैडो के लिए क्या होना जरूरी है? तीन चीज़ें। फर्स्ट, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। सेकंड, सोर्स ऑफ लाइट। एंड थर्ड, स्क्रीन। स्क्रीन और द सरफेस। ये जहाँ पे बन रहा है ये डार्क एरिया, ये क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। शैडो के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट के द्वारा जब लाइट को रोका जाता है तभी क्या बनता है? शैडो बनता है। And it does not show any color or detail of the object। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो शैडो है फ्लावर का, ये फ्लावर के कलर को शो नहीं कर रहा है या फिर और बहुत सारे डिटेल को बता नहीं रहा है। Now next, the shadow shape does not resemble actual shape। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका एक्चुअल शेप ही आपको शैडो में दिखे। एंड इसकी साइज़ भी क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी पोजीशन क्या है ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इससे क्या करेगा? साइज़ जो इनक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। मीन्स अगर सोर्स ऑफ लाइट क्लोजर है ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट के, जैसे ये ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट आपका फ्लावर है, अगर इसके पास है तो साइज़ क्या होगी? शैडो की बड़ी होगी। बट जब ये इसके दूर होगा, सोर्स ऑफ लाइट ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट से दूर होगा, तो शैडो क्या होगी? वो स्मॉल होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज शैडो एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज शैडो? शैडो इज़ द डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है? फर्स्ट, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट का होना। सेकेंड, सोर्स ऑफ लाइट का होना। एंड थर्ड, स्क्रीन या सरफेस का होना। और क्या करेक्टरिस्टिक्स है? जो शेप एंड साइज है ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट के पोजीशन पे। मींस ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट जो फ्लावर है इसके रेस्पेक्ट में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो किस डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है, उस पे डिपेंड करेगा कि इसका शेप एंड साइज कैसा होगा शैडो का। और ये कलर तो कभी भी शो ही नहीं करता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शैडो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।